मामूली विवाद के चलते 32 वर्षीय व्यक्ति द्वारा एक 22 वर्षीय फिरियादी को गंभीर जख्मी करने का मामला इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और आगे की जांच जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार को 22 वर्षीय फिरियादी सुनील कश्यप अपने मित्र के साथ इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले वस्त्र भंडार के पास बातें करते हुए बैठा था, जिस दौरान आरोपी कपिल भिमटी उम्र 32 वर्ष ये स्कूटर से वहां आया और फोन पर किसी के साथ गाली गलौज कर रहा था। तब फिरियादी ने उसे वहां से भगाने का प्रयास किया, जिस दौरान उन दोनों में कहासुनी हो गई। हालांकि उस वक्त आरोपी वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां चाकू लेके आया और फिरियादी के सर और दाहिने हाथ पर मारकर उसे गंभीर जख्मी कर दिया। इस बारे में पुलिस निरीक्षक जैन गंगाव ने अधिक जानकारी साझा की। एसआईएमआई पुलिस निरीक्षक गुन्ने जयंत गंगाव ने इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में रात को एक गुना दर्ज हुआ है। ये सुनील रामपाल कश्यप ये और उसके दो तीन मित्र वो उसके फ्रेंड अविनाश इसका बर्थडे था, इसलिए उसके घर आए थे। वो घर के बाहर बैठे थे तब कपिल नाम का लड़का उधर स्कूटर से आया, बाइक से, और वो किससे सो जोर जोर से गाली दे रहा था फोन पे। तो वो सुनील उसने पूछा, अरे बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है, गाली मत दे दो, बड़े बड़े से जोर से आवाज़ मत करो। तो उससे गुस्सा आया, वो आपस में थोड़ा वाद विवाद हो गया, बाद में वो निकल गया। निकलने के बाद थोड़ा टाइम में फिर वापस आया, वो वापस आने के बाद फिर झगड़ा चालू किया और झगड़ा में उसने वो सुनील को चाकू से मार दिया। वो दोस्त उसके दो छुड़ाने का आया, उसको भी मार दिया और भाग गया गाड़ी छोड़ के उधर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा व इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।